जापान के ओसाका में स्थित गेट टावर बिल्डिंग किसी साइंस फिक्शन मूवी की बिल्डिंग का आभास देती है। ये विश्व की एकमात्र ऐसी बिल्डिंग है जिसके बीच में से एक्सप्रेस हाईवे गुजरता है और ऊपर और नीचे लोग रहते हैं। जापान को टेक्नोलॉजी का देश कहा जाता है और जापान के कुछ अजीब और अद्भुत आविष्कारों के बारे में जानने के लिए ऊपर दिए लिंक को क्लिक करें। तो दोस्तों, मैं हूं चांद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अमेजिंग टेक फैक्ट। तो चलिए जानते हैं जापान के अमेजिंग टीकेपी गेट टावर बिल्डिंग के बारे में। बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह दिखने वाला ये एक्सप्रेस वे मॉडर्न आर्किटेक्चर और बेमिसाल इंजीनियरिंग को दर्शाता है। ओसाका के फुकुशिमा में स्थित ये 16 मंजिला इमारत 236 फीट ऊंची है। इसके पांचवें, छठे और सातवें माले के बीच से हॉन्गचिंग एक्सप्रेसवे नामक हाईवे गुजरता है। जगह के इस्तेमाल के कारण प्रशासन बिल्डिंग के मालिक को 3 मंजिलों का किराया चुकाता है। इस बिल्डिंग को डिजाइन किया है अजुसा सेकई और यामामोटो निशिहारा ने। इस गोलाकार बिल्डिंग में डबल कोर कंस्ट्रक्शन किया गया है। बिल्डिंग की लिफ्ट हाईवे के 3 मालों पर नहीं उठती है। हाईवे बिल्डिंग से सटा हुआ नहीं है, इसके नीचे बना हुआ ब्रिज हाईवे को सहारा देता है। हाईवे के आसपास एक खास स्ट्रक्चर बनाया गया है जो गाड़ियों के शोर और वाइब्रेशन को बिल्डिंग के अंदर जाने से रोकता है। इस बिल्डिंग की छत पर एक हेलीपैड भी बना हुआ है। जापान अपने ऊपर हुए परमाणु हमले के बाद भी अपने आप को दुनिया के सामने अपनी क्षमता को सिद्ध किया है। अगर आपने जापान टेक्नोलॉजी का देश वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर वाले लिंक को क्लिक करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस बिल्डिंग के निर्माण की कहानी भी काफी दिलचस्प है। 1992 में बनकर तैयार हुई इस बिल्डिंग का नक्शा 1983 में तैयार किया गया था, मगर इसके परमिट को रोक दिया गया था। कारण ये था कि यहाँ पहले ही हाईवे निर्माण की योजना बन चुकी थी, मगर प्रॉपर्टी ओनर ने हार नहीं मानी। 5 साल तक एक्सप्रेसवे कॉरपोरेशन के साथ उनका विवाद चलता रहा। उसके बाद 1989 में सिटी प्लानिंग और हाईवे कानूनों में बदलाव लाए गए और इस बिल्डिंग को बनाने की अनुमति मिल गई। ये बिल्डिंग जापानी इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है और जापान का एक प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल वाले बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।